नमस्कार, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार, आस्था होम्योपैथिक के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत। खांसी की सभी प्रकार की खांसी की मैं होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन बताऊंगा, जो सभी प्रकार की खांसी में आपको लाभ पहुंचाएगी। खांसी दो प्रकार की होती है, एक सूखी खांसी और एक गीली खांसी। सूखी खांसी में कफ सूख जाता है और आसानी से नहीं निकलता है और उसमें बहुत खांसने पड़ते हैं कफ निकालने के लिए। और गीली खांसी में बलगम आसानी से निकल जाती है। तो मैं ऐसा फार्मूला बताऊंगा आपको होम्योपैथिक कम्बिनेशन, जो आप इसको इस्तेमाल करेंगे या सूखी खांसी हो या गीली खांसी, दोनों में आपको लाभ पहुंचाएगी और इससे आपको पूरी तरह से आराम मिलेगा। कम्बिनेशन मैं बता रहा हूँ, आप इसको नोट कर लें या मैं इसको डिस्प्ले पर भी दे दूँगा, फोटो लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। बेलाडोना 200 पोटेंसी में, इसमें अगली दवा है हीपर सल्फ 200 पोटेंसी में, और तीसरी दवा है स्पॉन्जिया टोस्टा जो 200 पोटेंसी में। इन तीनों दवाओं का एक कम्बिनेशन बना लें और इसको आप सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम पाँच बजे सुबह, 5 बजे दोपहर में, 5 बजे शाम को, तीनों टाइम आप इसको लें। इसको अलग अलग भी आप ले सकते हैं या कॉम्बिनेशन बना करके। और इसमें अगली दवा है एंटीमटार, जो गले में घर घर की आवाज़ आ रही हो, खांसने में खांसी न निकल रही हो, तो आप इसको भी इस्तेमाल करें। इसके साथ एंटीमटार 200 पोटेंसी में इसको भी लेके आएं और 5 बजे सुबह, 5 बजे दोपहर में, 5 बजे शाम को, इसको तीनों टाइम 5-5 बूंद प्रयोग करें, जिससे आपको बहुत इससे लाभ मिलेगा और आपकी खांसी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। अगर आपको बात करने पर खांसी बढ़ जा रही है तो उसमें आप ब्रायोनिया 200 पोटेंसी में लेकर आएँ और इसी के साथ आप इसको भी 5-5 बूंद सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम आप इसको लें। और इसी के साथ एक सिरप मैं बताऊंगा, सिरप का नाम है इस्टोबाल, आप SVL कंपनी की है, इसको भी लेकर आएं और इसमें से 5 से 10 ml आप सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम इसमें से इस्तेमाल करें। अगर बच्चे को देना है तो इसमें से 2.5 ml सुबह, 2.5 ml दोपहर को, 2.5 ml शाम को, इस तरह से तीन टाइम बच्चों को भी आप देखेंगे तो पूरी तरह से खांसी में आपको आराम मिलेगा। अगर आपको और कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट करें, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। नमस्कार।